अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ मास्टर केज, जो इस स्टार्टिंग में इरादा था मास्टर केज में आने का, तो फिर थोड़ा चेंज हो गया, अब जो है कॉलोनी का हो गया। तो एक वीडियो मैंने पहले भी शेयर करी थी पिछले हफ्ते कि प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची हुई है। उस टाइम अंदर का इंटीरियर का काम चल रहा था, आउटडोर का तो हो चुका था तकरीबन, अंदर का काम चल रहा था तो मज़ीद और काम भी हो गया है अंदर का, तो वो आपको दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देख सकते हैं, जैसे कि सेंटर में मैंने गेट दिया है 2 फीट का, और 2 फीट का स्पेस दिया है गली नुमा, ये आप देख सकते हैं 2 फीट की गली है। और जो इसका तकरीबन चौड़ाई थी इस केज की, कोई चौड़ाई में मैंने सेंटर में एक पार्टीशन दिया है, जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ आपको खुद की दिखाने की, यहाँ से एक पार्टीशन दिया सेंटर में, दोनों केजेस इक्वल करती हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप आ रही है, परिंदों को धूप भी लगेगी, अगर ऊपर जाके बैठेंगे तो इजीली छांव भी लगेगी दोनों केजेस में। तो इसका साइज़ वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका साइज़ ये है कि जो इस केज की लंबाई है वो है 8 फीट, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम वहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका साइज़ वो 8 फीट का था, जिसमें से 4-4 फीट इनकी चौड़ाई हो गई, और जो लंबाई है वो तकरीबन इसकी है 5.5 फीट, अगर हम लंबाई देखें यहाँ से वहाँ तक। और इसमें गेट वगैरह भी दिया है मैंने यहाँ पे इस जगह पे, गेट इस वगैरह इतने नहीं दिए कि 2 फीट के अगर हम ओपन फुल भी कर लें इस गेट को, तो यहाँ तक इससे टकराया नहीं दूसरे वाले पोर्शन के साथ, बड़े ईजिली मैंने सिंगल सिंगल पोर्शन के गेट दिए। इसी तरह से 4 गेट दिए मैंने यहाँ पे दोनों पोर्शन को, जो 2 अपना इस तरफ खुलेंगे और 2 सेम टू सेम अपोजिट साइड पे, इस साइड पे 2 गेट जाएंगे। और भी आपको दिखा देता हूँ मज़ीद, ये आप देख सकते हैं नीचे एक बाउंड्री वॉल भी लगाया था, इस तरह से मैंने फुल कवर अप करा है। अभी थोड़ा बहुत और काम भी बचा हुआ है इसके अंदर, देख सकते हैं कल मज़ीद जो है बैक साइड के होल पास जो थे वो सब क्लियर करें, क्योंकि वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो क्लियर इसलिए करें क्योंकि वहाँ पे गैप था, वहाँ से कुछ चीज़ अंदर आने जाने का थोड़ा सा इशू बन जाता, इसलिए उसको सीमेंट से कवर करा सारे होल को। ये बैक साइड का तो तकरीबन क्लियर कर लिया सीमेंट से, अब इशू है फ्रंट साइड का, फ्रंट का मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट साइड में जो आप गैप देख रहे हैं, अब इसे हम लगाएंगे, हम लोहे की चादर लगाएंगे, यहाँ पे पीस फिल करेंगे, वेल्डिंग का काम करेंगे, इसको भी क्लियर करेंगे इस मैटर को भी, और उसके बाद जाएंगे हम रंग की तरफ, रंग करेंगे केज को। ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है तकरीबन हफियत तक, देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम रंग की तरफ जाएंगे, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है कोशिश है कि आने वाले हफ्ते तक कंप्लीट कर लूँ आपके साथ। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कंप्लीट वीडियो शेयर करूँ, और इसको बाहर से भी कवर करूँगा, उसके ऊपर भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। बाउंड्री वॉल कोई नहीं लगाई है, सिर्फ बैक साइड की लगाई है, यहाँ से भी ओपन रखा है, यहाँ पे पूरा कवर करेंगे बारीक जाली से, पूरा फ्रंट भी कवर करेंगे इसी तरह से, अपोजिट साइड भी फुल कवर अप करेंगे। तो ये है सेटअप की वीडियो, कल मज़ीद नीचे का भी थोड़ा सा सीमेंट का काम करा था, तो देख सकते हैं आप नीचे थोड़े से गैप्स वगैरह आ रहे थे, उससे भी पूरा कंप्लीट करा, काम बचा हुआ है आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन वो भी फुल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैंने रिपटें वगैरह करी थी, ये जो अपना सीमेंट की चादरें ये इस एल वाले एंगल के साथ जो है मैंने फिक्स करा, तो किस तरह से वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, आपको अपना रिपटें दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सब होल में मैंने रिपीट करी हैं, चादरों को पक्की करी है, क्योंकि यही सॉल्यूशन अच्छा लग रहा था मुझे रिपीट करने का, मैं तकरीबन रिपीट करके इसको पक्का कर दिया है। और वेट जो है मैंने सिर्फ बैक साइड पर ही दिया, बैक साइड पर जो है मैंने ताबूक रखे हैवी वो वेट के लिए, क्योंकि वेट भी बहुत ज़रूरी देना है इस पर, क्योंकि कभी कभार तेज़ हवाएँ चल जाएँ तो उससे ये ना हो कि ये छत हिले,
तो इसलिए उसकी वजह से मैंने इसको कंप्लीट करा। अभी सिर्फ थोड़ा सा बिल्डिंग का काम बचा हुआ है और उसके बाद रंग करेंगे, उसके बाद जो जाली से कवर करने के बाद फिर बर्ड्स इसमें छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे। जो आज मैंने सोचा आपके साथ सेटअप की वीडियो शेयर करूं और भी मज़ीद आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सेटअप कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में मुझे बताना, कहीं कोई खामी लग रही हो तो वो भी बताना, उसको भी ठीक करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।